नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक जो कोई भी इकोनॉमी है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को कुछ मेन प्रॉब्लम्स, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर करता है, उसकी सबसे पहली चीज, पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वो चीज किस चीज का प्रोडक्शन करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का प्रोडक्शन करे। और फिर जब वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे इस चीज का प्रोडक्शन करना है, इस कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी टेक्निक से करे, हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से वो उसका प्रोडक्शन करे। और जब वो टेक्नोलॉजी भी फाइंड कर लेता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी से वो प्रोडक्शन करेगा, तो थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब आपके दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी हर एक चीज को बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, तो वो उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करे। और दूसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तो सभी लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। नहीं, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, वन बाय वन हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए। हर कंज्यूमर, हर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के सामने ये एक चैलेंज होता है कि वो किस चीज का प्रोडक्शन करे। अब देखिए, इकोनॉमी के अंदर दो तरह के गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। एक तो होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कि सीधे ही कंज्यूमर्स के पास जाएगी कंज्यूम करने के लिए, और दूसरे गुड्स होते हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, है ना। तो वो क्या जैसे कैपिटल गुड्स भी जिसको हम बोलते हैं, उन गुड्स का प्रोडक्शन कौन करेगा, उसका जो यूज है कैपिटल गुड्स का, वो केवल प्रोड्यूसर्स करेंगे, है ना। क्योंकि ये जो कैपिटल गुड्स हैं, इनसे हम दोबारा से प्रोडक्शन करने के काम में ये आती हैं। और कंज्यूमर गुड्स क्या है कि ये कंज्यूम्स करने के काम में आती है, तो इनसे दोबारा तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। ओके, तो एक जो इकोनॉमी है उसके सामने ये बड़ा चैलेंज रहता है कि वो किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करे। अब सपोज हमने, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है बटर और वाई एक्सिस पर लिया है गन्स। अब गन्स क्या है? गन्स कंज्यूमर गुड तो है नहीं, ये हमारे सर्विसेज के लिए जरूरी है, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। और ये क्या चीज है? ये कंज्यूमर गुड है बटर, तो किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए? दोनों ही चीजें हमारे कंट्री के लिए जरूरत है। तो एक जो ये जो हमारा पीपीसी कर्व है, पीपीसी कर्व इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, वो पीपीसी कर्व यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है। अब जैसे देखिए, इसमें इस पॉइंट पर सपोज ये वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, है ना। अगर प्रोड्यूसर ए पॉइंट पर प्रोडक्शन करता है, दैट मींस कि वो गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा और बटर का प्रोडक्शन कम करेगा। और अगर उसे लगता है कि मुझे बटर और गन्स दोनों का इक्वल प्रोडक्शन करना चाहिए, दोनों की नीड है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वो बी पॉइंट पर प्रोडक्शन करेगा। और अगर वो चाहता है कि बटर का प्रोडक्शन ज्यादा हो, बटर की डिमांड ज्यादा है, तो वो नीचे आकर के यहाँ पर सी पॉइंट पर प्रोडक्शन करता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ सी। ओके, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो पीपीसी कर्व है, ये हमें बताता है कि हमारे पास जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं और जो गिवन टेक्नोलॉजी है, उसी में ही हम इस किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एंड द सेकंड पॉइंट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। तो देर आर टू टेक्नोलॉजीज, ना कौन सी होती है? एक तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, एंड सेकेंड वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर लेबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और कैपिटल की क्वांटिटी कम होती है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज्यादा यूज होती है और लेबर कम यूज होती है। तो यहाँ पर देखिए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है और लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो आप किससे प्रोडक्शन करना चाहते हैं? अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा यूज में लेना चाहते हैं, तो आप ऊपर वाले किसी पॉइंट पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहते हो ज्यादा, तो इधर किसी पॉइंट पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा पीपीसी कर्व है,
ये हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है उससे हम किस तरह से मैक्सिमम लेवल पर प्रोडक्शन कर सकें और जिससे कंज्यूमर को भी सेटिस्फेक्शन मिले और प्रॉफिट भी हमारे मैक्सिमम हो जाए। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि देखिए हर इकोनॉमी के अंदर दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ रिच भी होते हैं और कुछ पुअर भी होते हैं। अगर पुअर पीपल के लिए आप प्रोडक्शन करते हो तो बिल्कुल नॉर्मल गुड्स का प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिच पीपल के लिए कर रहे हो तो थोड़ा लग्जीरियस आइटम्स का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये पीपीसी कर रही हमें शो करता है कि हम किस पॉइंट पर प्रोडक्शन करें। हम अपने गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर यहाँ कहीं किसी पॉइंट पर प्रोडक्शन करते हैं तो समझिए कि आप पुअर पीपल्स के लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिच पीपल के लिए कम कर रहे हैं। और अगर इस पॉइंट पर कहीं प्रोडक्शन किया जाता है तो रिच पीपल के लिए ज्यादा हो रहा है और पुअर के लिए कम हो रहा है। तो एक इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन देख करके वो ये डिसाइड करती है कि किस पॉइंट पर प्रोडक्शन किया जाए। ओके, तो ये हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी जो हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमी हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। अब जो किस तरह से हर इकोनॉमी अलग अलग किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है उसको हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये तीन इकोनॉमी है, तीनों इकोनॉमी के पास तीनों प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स को हर इकोनॉमी कैसे सॉर्ट आउट करती है इसको देखिए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके सामने जब ये क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो क्या करेगी, किस चीज का प्रोडक्शन करेगी, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा और उसी चीज का प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट में किया जाता है ना। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, सेंटर प्लानिंग अथॉरिटी, एक कमेटी होती है इनकी, तो सेंटर प्लानिंग अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि सोशल वेलफेयर के हिसाब से किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। मिक्स इकोनॉमी में दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और पब्लिक सेक्टर के अंदर प्लानिंग अथॉरिटी ये डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। अगेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिस चीज में उसको जो मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर सस्ती है, चीपर पड़ती है उसके लिए, तो वो लेबर इंटेंसिव से प्रोडक्शन करेगी, और अगर उसको लगता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी। ओके, यानी ये जो भी टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज ज्यादा उसको सस्ते पड़ रहे हैं, चीपर पड़ रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी से, उसी टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, और फिर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो करती है कैसे, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सोशलिस्ट के अंदर वापस से सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही ये डिसीजन लेती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है जो प्रॉफिट मोटिव है ये डिसाइड करता है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिट मोटिव से ही डिसाइड होता है कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो वापस से जिस टेक्नोलॉजी में उसको ज्यादा प्रॉफिट है वो उसी से ही प्रोडक्शन करेगी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो वेलफेयर को देखते हुए डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया जैसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूजफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लेबर टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करा सके। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए,
इसमें क्या होता है, शेयर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसका जितना शेयर होता है, जैसे कैपिटल का जितना शेयर है प्रोडक्शन के अंदर उसको उतना परसेंट दे दिया जाता है, लेबर का जितना शेयर होता है, जितना परसेंट लेबर ने प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करी है उतना हिस्सा उसको दे दिया जाता है। तो शेयर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, जो प्रोडक्शन फैक्टर के अंदर शेयर जो भी फैक्टर्स हैं उसका प्रोडक्शन के अंदर जितना शेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, जो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनका जो प्रिंसिपल इन्होंने बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर किसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, यहाँ पर ये बात आती है कि हर जैसे कि रिच पीपल को कितना दिया जाए और जो पुअर पीपल है उनको कितना दिया जाए। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ये बात आ रही है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है तो उनको भी किस तरह से, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं और उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कुछ सेक्टर्स के अंदर तो प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहीं पर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो भी प्रोडक्शन है। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर या हम जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर एक पीडीएस सिस्टम है, यानी पीडीएस का मतलब क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम राशन के द्वारा भी, राशनिंग सिस्टम भी जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्योंकि पुअर पीपल को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको हम इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पीडीएस सिस्टम इसमें गवर्नमेंट यूज करती है, जिससे हर लोगों तक जो उनके नेसेसरी गुड्स हैं वो पहुंचाए जा सके। ठीक है, तो ये हमारा था आज का ये चैप्टर और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा। हम पहले रिवीजन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड देन फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।